ચાર પૂરા મારા ભંડાથી સાયક દોડ દે, મને મારી દે, મને મારી દે, અરે મારી દુકાન ગઈ દે, પૈસા વાળા ના ડકો અમે, અરે પૈસા ઘણા ને ગરીબો ની ઓ મકાન લઈ લે તું હાલ, અરે ઓ મકાન લઈ લે ભગવાન ની રૂપી બન જા તું હાલ, અરે ઓ મકાન લઈ લે ઓ લઈ લે મને માર દે તું હાલ, ઓ તો ગાલે મને માર દે યે તોડે જો મને માર દે, અરે મને જોન નો કચરો આલે ની સિગલેવ, અરે साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, DYSP आनंद सिंह राजपुरोहित मौके पर पहुंच रहे हैं। ये मामला क्या है साथियों, आपको पूरा जानकारी के साथ बता देता हूं। साथियों एक भूखंड है कल्याणपुरा में, एक भूखंड का विवाद चल रहा है दो पक्षों के बीच में। एक पक्ष ने खरीद दिया है तो दूसरे पक्ष ने बताया हमारे यहाँ इस भूखंड पर स्टे लगा हुआ है, उसको लेकर आज दिन में जहां भूखंड खरीद दिया था उस पार्टी ने JCB लाकर इस भूखंड को पूरा बिखेर दिया। बिखेरने के बाद जो स्टे वाली पार्टी थी उन्होंने पुलिस को बुलाया। मौके पर शहर के DYSP आनंद सिंह राजपुरोहित अपने जाप्ते के साथ तुरंत वहां पहुंचे। बाड़मेर के शहर कोतवाल गंगाराम खवा भी घटना स्थल पर पहुंचे, उन्होंने भी पूरा मौका मुआयना किया, मौके की तस्वीरें देखी, जो भूखंड है तोड़ा है भूखंड को, उस भूखंड का निरीक्षण किया, उच्च अधिकारियों से बात भी की, जांच अधिकारी से बात की, जो स्टे लगा था जितेंद्र कुमार से जो कागजात थे स्टे के वो मंगवाए, उसकी जांच की। तो साथियों तस्वीरें पूरी आपको मैं लाइव दिखा रहा हूं, और बाड़मेर के जो DYSP आनंद सिंह राजपुरोहित है उनसे बात हुई है, उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी है, उन्होंने क्या बताया वो भी आप सुनो। तो उससे पहले एक बार फटाफट इस पोस्ट को शेयर कर, मकान तोड़ा है, क्या घटना घटी है यहाँ पर, आप मौके पे आए हो, फिर अपन बात करते हैं। उन्होंने क्या जानकारी दी है, क्या मामला था, आधार पर भूखंड को तोड़ा है, चलो इनसे बात करते हैं पूरी। तो सर मकान तोड़ने वाले थे, ये मकान इनके लिए हुए खरीदे हुए क्या, जिन्होंने मकान लिया है वो बता रहे हैं उन्होंने खरीदा है, और ये कह रहे हैं कि हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, इस संबंध में अभी अनुसंधान कर रहे हैं, इनके साथ मारपीट भी हुई है, इसका रिपोर्ट लेके मुकदमा दर्ज करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।